वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष द्विवेदी वीलॉग्स। आज दोस्तों हम लोगों ने प्लान बनाया है वृंदावन जाने का। तो रात में हमारी ये बस है 9:30 बजे की शताब्दी से, तो ये 6:30 बजे उतार देगी वृंदावन। तो वहाँ पे चल के घूमते हैं वृंदावन, मथुरा, गोकुल। वैसे मैं एक बार पहले भी हो आया हूँ, तब मैं अपनी कार से गया था। इस बार हम लोगों ने सोचा कि चलिए बस से चलते हैं और इसका एक्सपीरियंस लेते हैं। तो आइए चलिए साथ में दर्शन करते हैं वृंदावन, गोकुल और मथुरा के। तो बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, बजट प्लान आपका क्या रहेगा, और आप ये 2 दिन का प्लान है तो 2 दिन में आप कैसे घूम सकते हैं, तीनों चीज़ कैसे कवर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वृंदावन। जय बिहारी लाल की। ये देखिए, ये अपनी बस रुकी है इटावा के पास, कोई ढाबा था वहाँ पे ये बस रुकी है और नाश्ता पानी हो रहा है। इसके बाद चलते हैं, बारिश बहुत ज़बरदस्त हुई है। और ये देखिए, ये सुबह हम लोगों को उतार दिया है चक्का तीरा, एक जगह है वहाँ पे चौराहा है ये वृंदावन। ये ओवरब्रिज है जिसके नीचे से सामने रोड गई है वृंदावन, तो यहीं पे ड्रॉप करते हैं शताब्दी की जो बसें आती हैं। तो इन्होंने राइट टाइम उतार दिया था, अब यहाँ से चलते हैं ऑटो से। ये देखिए ऑटो मैंने कर लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं रूम वगैरह कोई लेते हैं और आज ही कवर करेंगे मथुरा, वृंदावन और गोकुल। वृंदावन में कुछ मंदिर हैं जैसे प्रेम मंदिर हुआ, इस्कॉन मंदिर हुआ और पागल बाबा मंदिर है, बांके बिहारी जी हैं, ये सेम डे कवर हो सकते हैं। तो इनको आज कोशिश करेंगे सेम डे कवर करने की, और इसको आज शाम को कवर करेंगे। और गोकुल और मथुरा अभी हम लोग चलते हैं। देखिए ये हमारे ऑटो वाले भैया आ गए थे सुबह 9 बजे और इन्होंने सबसे पहले ले आए हैं ये कृष्ण जन्मभूमि। चलिए यहाँ के दर्शन करते हैं और फिर नेक्स्ट स्टॉपेज है यहाँ से रमन रेती। इन्होंने हम लोगों से 1000 रुपये लिए हैं, वृंदावन से मैंने ऑटो किया था, और ये हमारे राधे भैया हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये बहुत अच्छे आदमी हैं, इनका नेचर बहुत अच्छा है और ये आपको घूमने के लिए ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करते हैं जैसे कुछ लोग करते हैं, जल्दी आओ जल्दी चलना है, तो ऐसा नहीं करते हैं। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम गया था तब भी इन्हीं के ऑटो से घूमा था, और जब सेकंड टाइम गया हूँ तब भी इन्हीं के ऑटो से घूमा हूँ। तो मैं नंबर दे दूँगा, अगर आप चाहें तो इनको कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, अभी हम लोग पहुँच गए हैं कृष्ण जन्मभूमि। और ये देखिए, भूख लगी थी क्योंकि सुबह सुबह तो आया ही हूँ मैं कानपुर से, आपने देखा ही था। तो थोड़ा नाश्ता वगैरह किया यहाँ पर, सामने ही पूड़ी और सब्ज़ी आलू का झोल मिलता है, तो यहाँ नाश्ता करके और कैमरा वगैरह सब जमा हो जाता है। तो मैं इसके अंदर का तो नहीं दिखा पाऊँगा जन्मभूमि के, यहाँ मैंने बाहर से फ़ोटो ले पाया मैं। तो दर्शन हो गए थे टाइम से, ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी सुबह, ज़्यादा दर्शन अच्छे से दर्शन हो गए। अब चलते हैं रमन रेती, तो वो मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊँगा क्योंकि अगर मैं इसमें दिखाता तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।